अगर बिस्तर पर पड़े रहोगे, अगर सोफे पर डले रहोगे, अगर अपने कंफर्ट जोन में रुके रहोगे, अगर केवल वही करोगे जो आसान लगता है, तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीवन कठिनाइयों और परेशानियों से भर जाएगा। लेकिन अगर वो करोगे जो अभी मुश्किल लग रहा है, अगर आज अपने बिस्तर से उठ जाओगे, अपने कंफर्ट जोन से निकल जाओगे, अगर पूरी दम लगाकर मेहनत करना शुरू करोगे जो करने में बाकी लोग हिचकिचाते हैं, तो आगे की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आसान काम करने वालों को कुछ हासिल नहीं होता, इसीलिए सबसे मुश्किल रास्ता चुना करो। ये रास्ता होता है जिम्मेदारी का, ये रास्ता होता है हार्ड वर्क का, ये रास्ता होता है सैक्रिफाइस का, ये रास्ता आपको सफलता और आजादी की तरफ ले जाता है। बहुत थका हुआ हूँ, बहुत भूखा हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, इन सब बहानेबाजी को अपने दिमाग के अंदर घुसने मत देना, परिस्थितियों को खुद पर हावी मत होने देना। बस एक बात दिमाग में चलती रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सर्दी हो, गर्मी हो, थकावट हो, उदासी हो, फर्क नहीं पड़ेगा मेरी मेहनत पर, मेरी कोशिश पर। क्या आज तुम मेहनत करने को तैयार हो, हाँ या ना? क्या आज तुम खुद से लड़ने को तैयार हो, हाँ या ना? क्या आज तुम जीतने को तैयार हो, हाँ या ना? हाँ या ना में से किसी को तुम्हें चुनना है, तुम्हें खुद से वादा करना पड़ेगा कि तुम हमेशा हाँ का ही चुनाव करोगे। अपने मन को निर्णय मत लेने देना, वरना वो तुम्हें आलस और आराम की दुनिया में वापस ढकेल देगा। तुम्हारे वादे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम कैसा महसूस करते हो, तुम्हारे वादे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। खुद से जो वादा किया है उसे हर वक्त दोहराओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार भी है और दुश्मन भी। इसे अपना दुश्मन मत बनने दो, इसे हथियार बनाओ, इसे खुद से किया हुआ वादा बार बार याद दिलाओ। अपने दिमाग पर नियंत्रण तुम्हें अपने हाथ में लेना होगा, तभी आने वाला सफलता तुम्हारे हाथ में आएगी। नहीं तो क्या अंतर रह जाएगा तुझ में और बाकी असफल लोगों में? अपने मन को बार बार याद दिलाओ कि तुम क्या पाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। जब भी मन कहे रुक जा, तो और तेजी से आगे बढ़ो। जब भी मन कहे थम जा, तो और ज्यादा मेहनत करो। अपनी कमजोर भावनाओं को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने देना। जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया, वो तुम्हारा इस्तेमाल करने लगेगा। हर रोज एक परीक्षा होगी, तुम्हें उसमें सफल होकर दिखाना पड़ेगा। हर रोज तुम्हें आग में जलना पड़ेगा, हर रोज तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। कोई भी सपना अपनी औकात के हिसाब से मत देखो, ऊपर वाले की औकात के हिसाब से देखो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो तुम्हें नहीं मिल सकता। इसीलिए उठो, मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए ना तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत है, ना किसी की सिफारिश की। दोस्तों, खुद का अस्तित्व बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक बार अपनी पहचान बन जाने के बाद अपना रूप देखने के लायक होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो ने तुम्हारे सीने में जोश की चिंगारी जला दी होगी, तो पूरी जीजा लगाकर दौड़ पड़ो अपनी मंजिल की ओर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।